सर मैं हूँ ही बस दुकान बता के आया जी। मैं इतने जॉब करता जी गोटा जरी दे, बस मैं इतों जा रहा जी। इतने चार मुंडे खड़े थे जी, नाल ही एक गड्डी जा रही थी इतने कोई, तो मैं दो मिनट इतने खड़ गया बस देखने वास्ते भी की होई जाता। तो मेरा मन किया भी चल छड़ मुंडे खड़े है, एक साढ़े ना दुकान पर कुड़ी काम करती सी, वो इतें ही रहती है नाल ही वो, तो मैं क्या भी मुंडे इतने खड़े ने कल मैं देख ला भी कुड़ी घरे जा रही है। वो कुड़ी सीधा टप गई, दो मुंडे अगे नूं जा वड़े, बस मैं इतों मोड़ मुड़िया जी नाल ही, तो फायर की आवाज़ आई है जी, वो भज गया है। देखा तो एक मुंडे के फायर वजे हुए थे जी, एक वो मतलब बांह के हाथ वड्या होया, एक वह सीधा ढिड के जी, सज्जे पासे छाती सज्जे पासे वजे हुए जी। नहीं सर कोई नहीं पता लगा जी, नहीं पता नहीं लगे जी। फॉरचूनर से जी, इतने तीन चार जने इतने खड़े थे जी, ठीक है जी। दो मुंडे उधर गए, दो इधर, एक इधर आया, बाकी फॉरचूनर तुर पी जी नाल दी नाल। बस दो हो सर थोड़े कोल ही पे जी, सर नहीं जानते जी। उन्होंने कोशिश की मैं पूछने की, वीडियो बनाने की भी मैं कोशिश की, पर मैं एंबूलेंस आ गई जी, सानू मौका नहीं मिले जी। फिर सोचा भी चलो यदि जान बच सके जल्दी इनू करिए, रैफर करिए, तो एंबूलेंस नाल दी नाल सहारा वाले आ गए, वो लैके जी उन्होंने। नहीं सर नहीं पता नहीं सर, वह एक फॉरचूनर गड्डी गई है जी इतों, तो बाकी कैमरे लगे जी इतने गली महल सीसीटीवी, पता लग जूगा जी देख के की कार्रवाई करती है बाकी पुलिस। लगता नहीं है जिस तरह का माहौल बनता यार, सर बहुत गंदा माहौल है जी, बहुत ज़्यादा। हूँ सानू बयान देने लगे डर लगी जाता, कल सानू भी मार देते तुरै जाता, ठीक है जी। क्योंकि जे इतने किसी ने देखा भी होगा तो दसूगा नहीं जी, डरदा मारा। क्योंकि तुम आप देखो जी, इन्नी गली चलती है, चलती गली के फायर मार के जी, दसो की लॉ एंड ऑर्डर की है जी। देखो चार दिन पाँच दिन पहले, हाँ तो आप पाँच दिन पहले मेला जी के फायर किए ने जी, देखो तो उत्थे धरना मतलब लाया भी सानू इंसाफ मिले, तो चलो उन्होंने तो जो इंसाफ मिलना मिलना सी, आ दो दिन बाद आ काम हो गया जी। डर लगता है जी, तो कानून में साड़ी रिक्वेस्ट है जी भी इन्हां ते काबू किया जाए जी, इन्हां दी चंगी तरह सर्च की जाए भी कौन लोग ने ये। हाँ जी थैंक यू सर। की नाम है तो पता की कहना चाहना जी, एक मामला है सर, दोनों पेशेंट सीरियस ने, इन्हों एक बार एम्स रेफर कर दिया गया सर। कितने गोली चली है सर? यह गोली चली है जी बाइयापुर के कोल। कितने जने आए थे सर? साढ़े को दो पेशेंट आए थे शिवम ते रेशम। कुछ देर पहला बाइया फोर्ड के पिछले पास बिरला मिल रोड हैगी, उतो की घटना हैगी, आपसी तत्कार लेके किहड़ा हैगा दो तरह झगड़ा होया हैगा, इत्थों दी वसनीक किहड़े हैगे आ, दुबारा गगनदीप नां दा लड़का हैगा मुढ़ली, हुण तक दा इह पता लग्गिया उसने अपनी 12 बोर लसेंसी दा फेयर होया हैगा, ते किहड़े दोवें एक्सक्यूज़ ने किहड़े हैगे उन्हां नूं होस्पिटल किहड़ा दाखल करा दित्ता गया, उन्हां दा ट्रीटमेंट चल रहा, तो किड़ी हैगी है बाद बयान किड़ी हैगी ट्रीटमेंट तो अगली कार्रवाई की जाऊगी। देखो मोटे से दो राउंड फायर होने का सुनया गया, लेकिन अगली कड़ी तफ्तीश तो बाद ही सारी गल घटनाक्रम जोड़ते हुए किड़ा अगे तुम्हें डिटेल दे विच दस्सिया। SHO साहब लगातार दूसरी घटना हो गई है इस एरिए दे विच, एक बंदे की मौत हो गई, तो दो बंदे उपर जो अज फायरिंग हो गई, किधर न जा रही है अमन कानून की स्थिति? देखो जी कितों तक पहली घटना इस घटना आप नहीं जोड़ के देख सकते, एक आपसी तत्कार होया इन्हों का रिजी ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂਪੁਰ ਦੇ ਫੈਰਾ ਦਾ, ਬਾਰਾਂਪੁਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰੈਫਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਇੰਜਣ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਜਣ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ।